नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया T20 सीरीज का तीसरा मैच, जो 28 नवंबर ट्यूसडे शाम 7 बजे बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। वेनू स्टैट्स, हेड टू हेड स्टैट्स, ये स्टैट्स, वो स्टैट्स आपको तो हर जगह मिल ही जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टैट से निकाल के आपको ड्रीम इलेवन पे स्मार्ट बनाएंगे। वीडियो पे प्रैक्टिकली बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पे क्या क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो का किसी भी पार्ट को मिस मत करिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। पिच रिपोर्ट दोस्तों, चलिए पिच रिपोर्ट देखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वारसापारा गुवाहाटी का पिच भी एक बैटिंग ट्रैक हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे दौरान देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। ग्राउंड ऐसे भी छोटा है, तो एक फेस फ्लैट पिच यहाँ पे भी होगा, तो हम लोग एक और 200 प्लस फास्ट इनिंग स्कोर देखने वाला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, हेड टू हेड में दो टीमें आपस में 28 मैच पे आमना सामना हुआ है, जिसमें से इंडिया 17 और ऑस्ट्रेलिया 10 मैच पे जीत हासिल किया है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं मिला है। तो रिकॉर्ड में इंडिया आगे है और सीरीज में इंडिया 2-0 से आगे है, और सीरीज को जीतने के लिए इंडिया को बस इस मैच को जीतने का आवश्यकता है, और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी है, तो एक फाइटेबल मैच हम लोग देख सकता है। चलिए दोस्तों, इस मैच के लिए दो टीमों का क्या प्लेइंग 11 रह सकता है वो देख लेते। तो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, अपना दो मैच पे जीत हासिल किया इस 11 के साथ। तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, उसके साथ ऋतुराज गायकवाड, उसके बाद वन डाउन पे विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन, कप्तान सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा को इंडिया की तरफ से इस मैच में खेलते हुए हम लोग देख सकता है। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई स्पिनिंग का रोल संभालेगा और पेसर में अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा। तो शुरुआती ओवर में अर्शदीप सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को हम लोग बॉलिंग करते हुए देखेंगे, और मुकेश कुमार भी पावर प्ले का एक आध ओवर करते हुए आपको देख सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पिन मिलेगा तो रवि बिश्नोई भी डालते हुए देख सकता है पावर प्ले का एक आध ओवर, और डेथ ओवर में अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार मिलकर ज़्यादातर ओवर करेगा, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक आध ओवर आपको डालते हुए देख सकता है। तो ये पांचों मेन बॉलर, यही लोग आपको इंडिया की तरफ से आपको बॉलिंग करते हुए देख सकता है। यशस्वी जायसवाल एक आध ओवर आपको डालते हुए देख सकता है, लेकिन शायद अभी तक उसका तो जरूरत नहीं पड़ा है। ये पाँचों बॉलर मिल के ही इंडिया की तरफ से आपको बॉलिंग करते हुए देख सकता है। चलिए अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया लगातार दो मैच पे हार का मुंह देखना पड़ा है, तो ट्रेविस हेड को ला सकते हैं अपना बैटिंग ऑर्डर में। तो ओपनिंग में स्टीव स्मिथ के साथ साथ मैथ्यू शॉट के जगह पे ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया खिला सकता है। उसके बाद जॉस इंग्लिस, मार्कस टॉर्निस, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल विकेटकीपर बैट्समैन और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान मैथ्यू वेट, शॉन एबॉट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और टी संगा को हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। टी संगा के जगह पे जेसन बरंडॉफ या केन जर्सन को ऑस्ट्रेलिया खिला सकता है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया ला सकता है इस मैच पे, इसका थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है हम लोगों को। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो शॉन एबॉट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, टी संगा अगर खेलेगा तो टी संगा आपको चार ओवर बॉलिंग करते हुए देख सकता है। उसके साथ साथ मार्कस टॉर्निस, ग्लेन मैक्सवेल भी आपको अच्छा खासा ओवर करते हुए देखेंगे। अगर ट्रेविस हेड खेलेगा तो ट्रेविस हेड भी अच्छा खासा ओवर करते हुए आपको देख सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो मार्कस टॉर्निस के साथ शॉन एबॉट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआती ओवर आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। अगर जेसन बरंडॉफ खेलेगा तो जेसन बरंडॉफ भी आपको शुरुआती ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए देख सकता है। डेथ ओवर में शॉन एबॉट के साथ नेथन एलिस मिल के आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद इस मैच के लिए आपके फैंटेसी टीम पे स्मॉल लीग पे डिसेंट पिक क्या क्या रह सकता है वो देख लेते। तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा को आप अपने स्मॉल लीग पे डिसेंट पिक के रूप में पिक कर सकता है इन लोगों को।
जसवंती जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव इंडिया का टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखेंगे, टॉप फोर प्लेयर है। तो इन लोगों को आप अपनी फैंटेसी टीम पे जरूर पिक करना, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच रहता है। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच में इन चारों को अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो रिंकू सिंह भी अच्छा ऑप्शन होगा। इंडिया की तरफ से फिनिशिंग का रोल दिया गया है इनको, तो रिंकू सिंह आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। भारी थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आए, लेकिन कभी भी प्रमोट कर सकता है इंडिया इनको, तो अच्छा बैटिंग कर लेता है रिंकू सिंह, तो इनको भी आप अपने टीम पे पिक कर सकता है। रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग से दोनों अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। रवि बिश्नोई लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और बहुत ही बेहतरीन बॉलर भी है, और प्रसिद्ध कृष्णा भी विकेट टेकने की गेंदबाज है, तो इनको भी आप अपने टीम पे पिक करना चाहिए, तो पिक कर ले सकता है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा ये लोग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ, एम शॉट और ट्रैविस हेड में से किसी को अब अपने फैंटेसी टीम पे पिक कर सकता है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। तो ट्रैविस हेड इस मैच पे खेलना चाहिए, तो ट्रैविस हेड अगर खेलेगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक। उसके बाद जॉस इंग्लिश, मार्कस टॉर्निस और ग्लेन मैक्सवेल को आप अपने फैंटेसी टीम पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिक कर सकता है। स्टीवन स्मिथ और ट्रैविस हेड अगर खेलेगा तो ट्रैविस हेड आपको ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे, बहुत ही बढ़िया पिक होगा आपके लिए। उसके बाद जॉस इंग्लिश पहला वाला मैच पे बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला था, ऐसा इनिंग्स खेलने का इन पे क्षमता है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम पे, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद मार्कस टॉर्निस लास्ट मैच पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग बॉलिंग दोनों सेक्शन से आपको पॉइंट दिलाएगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, कभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रमोट हो सकता है, अच्छा खासा ओवर भी करते हुए आपको देख सकता है, तो ग्लेन मैक्सवेल भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा। वो अगर खेलेगा तो स्मॉल लीग पे आप उनको छोड़ नहीं सकते, कभी भी परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है। उसके बाद आपके फैंटेसी टीम पे स्मॉल लीग पे डिसेंट कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको किसको बनाइएगा, तो इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव और जसवंती जायसवाल सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा कैप्टनसी में, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैट्समैन से ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोचिए तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो सूर्या कुमार यादव और जसवंती जायसवाल बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा इंडिया की तरफ से कैप्टनशिप में, इन दोनों को आप ट्राई कर सकता है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को चाहे तो आप वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है, ये चारों ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। ईशान किशन तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से दोनों सेक्शन से आपको पॉइंट दिला सकता है, तो ईशान किशन सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस टॉर्निस, ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा कैप्टनशिप में, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों सेक्शन से आपको पॉइंट दिला सकता है दोनों ही। उसके साथ साथ ट्रैविस हेड अगर खेलेगा तो ट्रैविस हेड को भी आप कैप्टन बना सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तब ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा और अच्छा खासा बॉलिंग भी करते हुए देख सकता है, तो ट्रैविस हेड भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा अगर वो खेलेगा तो, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है उनको खेलने का। उसके बाद वाइस कैप्टन में जॉस इंग्लिश को आप ट्राई कर सकता है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, वन डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कभी भी अच्छा इनिंग्स खेल के आपको दे सकता है, जो जॉस इंग्लिश को अब वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं इस मैच के लिए आपके फैंटेसी टीम पे यूनिक जीएल कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको किसको बनाइएगा। तो इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर सकता है। तिलक वर्मा रिंकू सिंह को उस टीम पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई करिएगा जिस टीम पे इंडियन टॉप ऑर्डर को आप छोड़ रहे हैं, मान रहा है कि इंडियन टॉप ऑर्डर इस मैच पे फ्लॉप होगा, उस टीम पे इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ दीजिएगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन सही बैठ जाएगा तो आप जीएल पे अच्छा रैंक ला सकते हो। उसके बाद अक्षर पटेल भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कैप्टन, नहीं तो वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा जीएल पे, आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद अर्शदीप सिंह, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो अर्शदीप सिंह आपके लिए ट्रम्पकार्ड पिक हो सकता है, जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं अर्शदीप सिंह को, बहुत ही बढ़िया बॉलर है, शुरुआती और डेथ ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। आप स्मॉल लीग पे ऐसे भी लीग लेके ट्राई कर सकता है, लेकिन जीएल पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन में अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एम शॉट अगर खेलेगा, उसके बाद शॉन एबॉट और एडम जैम्पा, इन तीनों को आप ट्राई कर सकता है। कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, एम शॉट अगर खेलेगा तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकता है कॉम्बिनेशन बना के, शुरुआत में बैटिंग करते हुए आ सकता है, एक आध ओवर बॉलिंग करते हुए देखेंगे। अगर खेलेगा तो आप जरूर पिक करिएगा इनको जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में,
उसके बाद शॉन एबॉट को, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बोलिंग करेगा तो शॉन एबॉट को आप जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआत में और डेथ ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे और जरूरत पड़ने पे बैटिंग भी कर लेता है। बैटिंग को तो आप छोड़िए, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगा तो इसको जीएल पे जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई करिएगा। उसके साथ साथ एडम जैम्पा को भी ट्राई कर सकता है। एडम जैम्पा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हुआ। कब कॉम्बिनेशन बैठाइएगा? जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बॉलिंग करेगा, मतलब बाद में बॉलिंग करेगा, तब जाके एडम जैम्पा को जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकता है। पिछले मैच की तरह, रवि बिश्नोई की तरह भी परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है। बहुत ही बढ़िया विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है। जब सेकेंड बॉलिंग करता है तो एडम जैम्पा बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। एडम जैम्पा को जरूर जीएल पे अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड बॉलिंग करेगा तो ट्राई कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको एक कॉम्बिनेशन बता दे रहा है, जब इंडिया फेवरेट जा रहा है तो इंडिया को फेवरेट मानते हुए जीएल पे कॉम्बिनेशन बैठाइए। इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इंडिया का सारा सारा बॉलर और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बैटिंग बॉलिंग, जैसे कि मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल को पिक करिए और रोटेशन में एक आध प्लेयर को चेंज करते रहिए और कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेशन में चेंज करते रहिए इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन और बॉलिंग से, तो आप जीएल पे अच्छा रैंक ला सकते हो उस टीम से भी। लिए दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा वो देख लेते। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए क्रिक इलेवन अब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकता है। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल टीम वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए अब स्मॉल लीग का टीम देख लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से ईशान किशन, मैथ्यू वेट और जॉस इंग्लिश, तीनों ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से ईशान किशन और जॉस इंग्लिश को हम लोग पिक कर रहे हैं। मैथ्यू वेट को आप जीएल पे ट्राई कर लीजिएगा। तो उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। तो बैटिंग सेक्शन से सूर्य कुमार यादव मास्टर पिक, उसके बाद ट्रैविस हेड को हम लोग पिक कर रहे हैं। हम लोग मान रहा है कि ट्रैविस हेड को इस मैच में खिलाना चाहिए, तो ट्रैविस हेड को हम लोग पिक कर रहे हैं। अगर लास्ट में नहीं खेलेगा तो किसी और को हम लोग लास्ट में पिक करके आपको दे देगा टेलीग्राम पे। तो चलिए उसके बाद स्टीव स्मिथ को आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर लीजिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को हम लोग पिक कर रहे हैं। जसप्रीत जायसवाल भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, तो जसप्रीत जायसवाल को हम लोग पिक कर रहे हैं। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, आप इन दोनों को जरूर ट्राई करिएगा आपकी टीम पे। फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ रहा है टीम डेविड को, चाहे तो आप अपने टीम पे पिक करना, जीएल पे एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते, तो ऑलराउंडर सेक्शन से ग्लेन मैक्सवेल को हम लोग पिक कर रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस को पिक कर रहे हैं। अक्षर पटेल भी अच्छा ऑप्शन होगा, आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर लेना। एम शॉट अगर खेलेगा तो इनको जरूर टीम पे पिक करिएगा, ओपनिंग में बैटिंग करते हुएगा मेरे हिसाब से शायद इस मैच पे इनको ना देखे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से एडम जैम्पा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर सेकेंड इनिंग्स पे बॉलिंग करेगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक। के रिचर्डसन अगर खेलेगा तो के रिचर्डसन को भी आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई कर लेना। आर्शदीप सिंह भी अच्छा ऑप्शन होगा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो आर्शदीप सिंह को आप जरूर टीम में पिक करना। शॉन एबॉट, अगर शॉन एबॉट को भी चाहे तो आप अपने टीम पे टेक आई कर सकता है। शॉन एबॉट आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद फिलहाल के लिए हम लोग प्रसिद्ध किशन और रवि बिश्नोई को ट्राई कर रहे हैं। मुकेश कुमार को भी आप चाहे तो अपने टीम पे ट्राई करना, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो मुकेश कुमार आपके टीम पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। नेथन एलिस को हम लोग फिलहाल के लिए पिक कर रहे हैं। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ से हम लोग मार्कस स्टोइनिस को कैप्टन बना रहा है और ईशान किशन को हम लोग फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन बना रहा है। तो ये रही हमारी अभी तक का टीम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फिर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।